इंदौर तुकोगंज थाना पुलिस ने रिक्शा चालक की हत्या में फरार दो आरोपी कुणाल और प्रदीप को गिरफ्तार किया। नीलेश उर्फ बाबू दलवी निवासी शिवाजी नगर की पिछले वर्ष 20 जून को बाल विनय मंदिर स्कूल के समीप बदमाशों ने हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने सुजीत उर्फ पपिया, विक्का उर्फ विकास, कुणाल, प्रदीप, गोलू काले शामिल थे। विक्का और गोलू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शेष आरोपी फरार हो गए थे। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। नीलेश और बाबू दलवी का मर्डर हुआ था विनय बालविनय स्कूल के पास। उसके अंदर चार आरोपी फरार थे, उसमें से दो आरोपियों को अभी गिरफ्तार किया गया। दो आरोपी अभी भी फरार हैं, प्रदीप और कुणाल को गिरफ्तार किया गया। किस प्रकार से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड के सामने? हाँ, इनके सबके आपराधिक रिकॉर्ड हैं। सर लगभग कितना वक्त हो गया था इस मर्डर को? इनको करीब 5-6 महीने से फरार थे ये। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।